हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक क्या है? चलिए, हो जाए दो सॉन्ग, दो प्लीज लाइनें एक सॉन्ग की। अकेले हैं चले आओ कहाँ हो। जी हाँ, आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की नाइट फीलिंग कैसी है। जब वो रात को अकेले होते हैं तो आपके लिए क्या सोचते हैं? ही शी सेम जेंडर, सबके लिए है ये रीडिंग। कलेक्टिव और टाइमलेस है। आप जब जी चाहे देख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है कि आज डली है तो आज ही देखनी है। और हाँ, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। और नहीं चाहे तो आप किसी और रीडिंग पे जा सकते हो। तो गाइज, ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। आप जानते हो कि आज मैंने कितने दिनों बाद ये रीडिंग डाल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, डिवाइन टैरो आपकी नाइट फीलिंग, आपके पर्सन की नाइट फीलिंग क्या बताते हैं। चलिए, द मैजिशियन। लो जी, सेवन ऑफ सोर्ड्स। जहां कुछ अच्छा होता है, थोड़ा सा बुरा भी होता है। लीजिए द डेविल का कार्ड, इन्होंने भी आना ही था। सिक्स ऑफ वॉन्ट्स। नाइन ऑफ वॉन्ट्स। गाइस, इंसान कभी भी कहीं भी किसी को सोचता है कि अगर हम दूर हैं याद ना करें, जब अकेले होंगे ये रिश्ता ऐसा है, जब नाइट में अकेले होंगे तो आपको अपने पार्टनर की याद आती है। टेन ऑफ सोर्ड्स। लीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लीजिए किंग ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी यानी कि एयर साइन काफी आया है। लीजिए सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बॉटम क्या है? बॉटम तो अच्छा है गाइस। बॉटम सही आया है। एट ऑफ सोर्ड्स। शुरू करते हैं रीडिंग, जिसका टॉपिक है कि आपके पर्सन जब अकेले होते हैं यानी कि नाइट फीलिंग उनकी क्या है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता जो है खट्टा खट्टा चल रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है सारे मुझे ये बताते हैं। और आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। मैं आपको बताती हूँ कि आपके रिश्ते की स्टार्ट कैसे हुई, अगर ये आपके साथ मिलेगा जो मैं अभी स्टोरी बताऊंगी, तो उसके बाद ये रीडिंग आपकी है। सबसे पहले ये रिश्ता जो है, देखिए डेविल का कार्ड है। डेविल का क्या क्या बताता है कि ये एक कार्मिक कनेक्शन था आपका। आपको देख के एक होता ना लव, अट्रैक्शन वाला लव था, सेक्सुअल लव था, जिसे देख के एक इंसान की दूसरे इंसान की आपस में फीलिंग जागती है। एक फीलिंग ऐसी होती है जब हम किसी से दूर होते हैं, चाहे रिश्ता कैसा भी हो, तो हमें उसको मिस करना होता है या मिस करते हैं उसको बहुत अच्छे से। तो जहाँ ये अट्रैक्शन वाली फीलिंग होती है, उसमें क्या होता है कि एक दूसरे को देख के रहा नहीं जाता, दोनों का आपस में मिलने को मन करता है। तो ये होती है अट्रैक्शन वाली फीलिंग। तो आपका रिश्ता जो था कार्मिक कनेक्शन में था, अट्रैक्शन वाली फीलिंग थी, आप दोनों एक दूसरे के करीब आए और आप दोनों का प्यार हुआ। तो मैं ये आपको बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि कार्मिक कनेक्शन है, प्यार नहीं था, तो प्यार तो था लेकिन कई कई बार रिश्तों में इस कनेक्शन में दुर्व्यवहार यानी कि मिसबिहेव के
ज़्यादा चांस होते हैं चाह कर कि ना, अगर सोचें इंसान कि इसमें ना कुछ खराब हो तब भी हो जाता है, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है, जो पिछले कर्म कर्म होते हैं उसका अकाउंट हमें भरना पूरा करना होता है। तो इसलिए आप लोग एक दूसरे के करीब आए, प्यार की मीठी मीठी बातें हुई, आप अपने रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन आपका जो रिश्ता था, आपके जो पर्सन थे, चाहे वो ही हो चाहे शी हो, वो भी हो सकता है ज़्यादा सीरियस नहीं थे लेकिन सीरियस थे। ऐसे में जैसे ही एंट्री मारी और कई बार आपके पास आते थे, जैसे जैसे आपका रिलेशन में टाइम बीतता गया, आपको आपके रिश्ते में क्या लगने लगा, ट्रस्ट इशू। आपको लगने लगा कि जो आपके पर्सन है आपसे कुछ ना कुछ छुपाते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देते। जब आप रिश्ते को बढ़ाने को या कोई कमिटमेंट मांगते हो तो वो आपको क्लैरिटी नहीं देते, यानी कि आपके रिश्ते में उनकी तरफ से आपके मन में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू जागने लगा। जब ये ट्रस्ट इशू आने लगा तो रिश्तों में तनाव आने लगा और आपके पर्सन जो थे, चाहे वो ही शी थे, उनको ज़्यादा प्रेशर लाइफ में परेशान करने लगा, बोरिंग होने लगे और रिश्ते को कटपट रहने लगी। जहाँ आपने रिश्ता बढ़ाने की बात करी तो आपके रिश्ते की एंट्री हुई, रिश्ते की एंट्री मतलब एंटर किया उनकी फैमिली में, फैमिली में किया एंटर, रिश्ता हो गया आपका ख़राब, क्योंकि उनके पीछे जो प्रेशर था वो तगड़ा था। उनके पास जो फैमिली में था वो नहीं चाहते थे कि आप और वो एक हों। और जहाँ मैंने कहा कि आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, जो आपके कर्म होते हैं उसका खाता आपने भरना ही भरना है, जो उसका पूरा करना ही करना है, तो कार्मिक कनेक्शन में जब इन्होंने एंट्री करी तो रिश्ता होने लगा खराब। लेकिन ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिश्ता जो था कार्मिक, ये सोल कनेक्शन नहीं था, तो आपके पर्सन, आपको अपने पर्सन से लेकर ट्रस्ट इशू था, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में छल था, कपट था, धोखा था, चाहे किसी भी वजह से हो, तो रिश्ता आपका तब भी खराब हुआ। कार्मिक कनेक्शन तो था ही, जैसे ही हुआ आपको ऐसी एनर्जी में आप आने लग पड़े और आज भी आप ऐसी एनर्जी में हो। बहुत लव करते हो आप, लेकिन उन्होंने आपके लिए, आप जितना उनके साथ जुड़ते गए बंधते गए, उन्होंने अपने आपके लिए उतनी दीवारें खड़ी कर दी, चाहे वो इग्नोरेंस हो, चाहे वो कास्ट इशू, रिलीजियस इशू, फाइनेंस इशू, समझ गया, ब्लॉक करना किसी ना किसी बहाने, मैं तेरे लायक नहीं हूँ, हमारी फैमिली नहीं मानेगी, चलो छोड़ दो, जो हो गया हो गया, जो ईश्वर को मंजूर था, ऐसे कई एक्सक्यूज़ दिए, जो इन रिश्तों में जब एक बार कोई किसी के करीब आ जाता है, दो का एक हो जाता है, तो आपके लिए वो मायने नहीं रखते थे, क्योंकि आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थे जितने वो थे। इसी चीज़ को लेते हुए स्टाफ आप एनर्जी में हो और आपको आपके पर्सन ने चीट किया है, यानी कि आपको इसी हिसाब से उन्होंने करा है कि आपको ये लगे कि पर्सन तो सही था फैमिली की वजह से, लेकिन धोखा भी दिया है और प्यार से दिया है। लेकिन जहाँ मैंने कहा कि कार्मिक कनेक्शन है, तो गाइस अगर आपको धोखा दिया है तो इनको कहाँ से नहीं धोखा मिलेगा, आपका दिल दुखाया इन्होंने, आपको इस एनर्जी में बोला, आप सब कुछ होते हुए भी अपने आप को इनके पास पाते हो, आप सैड एनर्जी में हो, आप हमेशा आपको इनको मिस करते हो अपने इनके साथ बताए हुए पल, लेकिन इन्होंने आपको चीट किया है, इस बात को आप सोचते हो और इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे इनकी मजबूरी थी चाहे कुछ नहीं, चीट तो आपको किया है, दिल तो आपका दुखाया है, चलनी तो आपको किया है, वो पीठ पे पीछे वार करने वाली बात होती है, मीठे मीठे तरीके से किसी को छुरा घोंपना, ये सारी इग्नोरेंस दीवारें खड़ी कर दी आपको अपने में बांध के, बाद में आप जितना इनके साथ जुड़ते गए, इन्होंने अपने, अब उस पर्सन की कंडीशन ऐसी है, दीवारें भले ही उन्होंने आपके लिए खड़ी कर दी, आज आपको बहुत मिस करते हैं। मिस क्यों करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ये भी आपके लिए मतलब वो पल याद करते हैं जिन पर जो टाइम इन्होंने आपके साथ हंसते खेलते स्पेंड किया स्टार्टिंग में, जा क्योंकि ये एक कर्मों का था,
और आप लोगों का वो खाता अब कंप्लीट होने वाला है। ये इन्होंने आपको इतने मिस करते हैं ये कि इनके बस की नहीं बात, ये सबसे चुरा कर आपको ले जाए। और लेकिन आप इतने दुखी हो कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको उनके बिना सब कुछ खाली खाली लगता है। जैसे आप अकेला अकेला फील करते हो जब रात होती है, ये भी आपको बहुत मिस करते हैं। जब भी अकेले होते हैं बहुत मिस करते हैं, हमेशा सोचते हैं कि आप उनके करीब हो और आप उनके कपल हो। पुरानी बातें भूलकर नई ज़िंदगी शुरुआत करते हैं। आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, कहते हैं अगर परेशानियां हो तो काश मेरा पर्सन मेरे पास, आप उनके पास में हो तो कहीं आपको लेके कहीं चले जाएं। तो मैं आपको बता दूं, ये घड़ियां आपके करीब आने वाली हैं, क्योंकि आपका पर्सन और आप दोनों ही चाहते हो कि लाइफ में एक मिरेकल हो। जब दोनों की सोच एक जैसी हो तो बहुत जल्दी वो आशा पूरी होने वाली होती है कि कोई ऐसा मराइकल हो जाए कि जितना मर्जी धोखा दिया आपका पर्सन आपके पास आ जाए, और वो भी चाहते हैं कि आप उनको पास आ जाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब थोड़े थोड़े स्पिरिचुअल हो चुके हैं और अपने आप को आगे ले जाने के लिए यानी कि पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सब अपने आप अंदर अंदर वो चीज़ें लेके आ रहे हैं जिनकी वजह से आप उनको जल्दी मिल जाओगे। और आप लोग भी स्पिरिचुअल होने की वजह से आपका रिश्ता अब करीब आने लगा है, पॉजिटिव बनने लगे हैं, अपने आप को हील करने लगे हैं, और आप भी हील कीजिए। तो अब ये है, देखिए बॉटम आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, प्यार करते हैं और पुरानी चीज़ें बुला के लाइफ आगे लेके जाना चाहते हैं। तो गाइज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का क्या मतलब है? वो एक आपका कार्मिक कनेक्शन था, आपका ख़त्म हो चुका है। आगे आने वाला टाइम आपका बहुत बेटर आएगा, ज़िंदगी आपकी हंसते खेलते खुशियों से बीतने वाली है। तो गाइज, ये है बॉटम ऑफ का डेक जो बताता है कि आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। तो मैं अब एक एडवाइस कार्ड निकालूंगी। एडवाइस कार्ड में ये होगा कि अगर आपके पर्सन आप चाहते हो जल्दी आ जाएं तो आपको किन चीज़ों का परहेज रखना होगा और कैसे उनके साथ पेश आना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड एनर्जी बताते हैं। थोड़ी सी एडवाइस हर इंसान को जरूरी है। देखिए गाइस, मैं आपको ये बता दूं, ये जो कार्ड है द स्टार का, ये बताते हैं कि आप लोग इमोशनल अटैच, अभी एक दूसरे के साथ दूर रह के आपको एक दूसरे की कमियां फील हुई तो आप इमोशनल अटैच हो। आपको लाइफ में बैलेंस बनाना होगा अगर आप चाहते हो कि जब वो आपकी लाइफ में आए जल्दी भी आए और आपके साथ चीज़ें सही चले, तो बैलेंस बनाना होगा। छोटी छोटी गलतियों को, पुरानी चीज़ों को नज़रअंदाज करके ही आप एक सुनहरे भविष्य की तरफ जा सकते हो। बैलेंस बनाइए, इमोशनल मत होइए, पॉजिटिव बनिए और आपको गोल्डन चांस जरूर ईश्वर देगा। गाइज, ये एडवाइस है आपके लिए। अगर अपने रिश्ते को आप जल्दी और साथ में आपके पर्सन के साथ अपने आप को खड़ा पाना चाहते हो। ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि रात को आपको कैसे याद करते हैं। तो बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके साथ चीज़ें आगे ले जाने की सोच रहे हैं और वहाँ भी वो भी अपने आप को हील करते हैं। तो प्लीज़ आप भी अपने आप को हील कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आज तो मैं कितने दिनों बाद आई हूँ, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय माता दी, बाय बाय।